राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना में जेसीबी मशीन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां प्रार्थी को आरोपी नजामुद्दीन खान के विरुद्ध जेसीबी मशीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत लिखवाई। वहीं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर थाना सिविल लाइन पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही आरोपी पर कार्रवाई की। रामदेव सलाम द्वारा जेसीबी की खरीदी के संबंध में नजीमुद्दीन के से द्वारा उससे 5,18,000 की धोखाधड़ी की गई थी। इस संबंध में थाना कोरारू उत्तर बस्तर में उनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी, चूँकि वो प्रार्थी वहीं का रहने वाला है। बाद में घटनास्थल सिविल लाइन का पाए जाने से था कोरार से जो डायरी है वो सिविल लाइन स्थानांतरित हुई, जहाँ पर अपराध जब धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत पंजीबद्ध करके विवेचना में